अब आप मेरी सभी वीडियो अन अकेडमी पर भी देख सकते हैं। उसके लिए अन अकेडमी लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। वहाँ पर निशा राज सर्च करेंगे तो मेरी और भी वीडियो देख सकेंगे, जो कि आपको सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हेल्प करेंगे। डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक दे रखी है। हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की। ये वीडियो 9 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में मैंने 8 पार्ट तक मैंने बता दिया है, और ये जो है 9th पार्ट है। तो अगर आप डायरेक्टली 9th पार्ट देख रहे हैं तो पहले 8 पार्ट टोटल देख लीजिए, ताकि आपको ये अच्छे से समझ हो जाए। और इसमें 2 पार्ट और मुझे बताना है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में, जिसमें कि एक होगा प्रिज्म और पिरामिड से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं प्रिज्म और पिरामिड को। ये आपका दिया गया है क्या, पिरामिड। पिरामिड जो है इस तरीके का होता है, जैसे ये देखिए, ये हमारा पिरामिड बना है और यह 6 भुजाओं वाला है। पिरामिड ऐसा नहीं कि सिर्फ 6 भुजाओं वाला होता है, त्रिभुजाकार भी होता है, फिर आयताकार भी होता है, वर्गाकार होता है, चाहे कि पंचभुजाकार होता है। मतलब जैसा उसका बेस होगा वैसा ही उसका नाम होगा। त्रिभुज वाले प्रिज्म का त्रिभुजाकार प्रिज्म कहेंगे, और मतलब कि पंचभुजाकार प्रिज्म कहेंगे। इस तरीके से होता है, प्रिज्म का बेस और ऊपर दोनों एक ही होता है। अगर ये 6 भुजाओं वाला है इसके ऊपर, तो इसका बेस भी जो होगा नीचे, ये भी 6 भुजाओं वाला ही होगा। इस तरह से ये बनता है एक प्रिज्म। अब पिरामिड देखेंगे इसके बाद। सबसे पहले हम इसका समझ लेते हैं कुछ फॉर्मूले को। अगर प्रिज्म का आयतन किसी भी चीज का होता है क्या, कि आयतन में आधार का क्षेत्रफल और गुने ऊंचाई। हमेशा याद रखिए कि आयतन निकालने के लिए क्या होता है, कि आधार का क्षेत्रफल और मल्टीप्लाई कर देना है आपको उसमें ऊंचाई से। आधार का क्षेत्रफल, ये जो नीचे बेस हो गया आपका, ये इसका क्षेत्रफल निकालना है, और ऊंचाई ये हो गया इसका हाइट। तो निकल जाएगा आपको प्रिज्म का आयतन। अब एक चीज समझ लीजिए कि आधार का क्षेत्रफल, जैसे कि ये समषट्भुजाकार है, तो ये अगर चारों साइड से आप इसे मिलाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये जो त्रिभुज बनता है एक, ये बनता है आपका समबाहु त्रिभुज। और ऐसे ऐसे कितने हैं, 6 समबाहु त्रिभुज है। तो अगर समषट्भुजाकार दे दे और आधार का क्षेत्रफल निकालना हो, तो इस सबका भुजा दे दिया जाएगा कि कितना मीटर भुजा वाला है। तो 6 मल्टीप्लाई करके √3/4 गुने भुजा स्क्वायर हम कर देंगे, और फिर हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो निकल जाएगा आयतन। एक और होता है फॉर्मूला इसमें, पार्श्व तल का क्षेत्रफल। पार्श्व तल का क्षेत्रफल, पार्श्व तल का क्षेत्रफल का मतलब ये राउंड वाला, ये कर्व्ड सरफेस जो है, ये होता है पार्श्व तल का क्षेत्रफल। तो इसके लिए हम कैसे निकालेंगे, तो आधार का परिमाप और इसमें कर देना है आपको मल्टीप्लाई ऊंचाई से। तो निकल जाएगा ये राउंड कर्व्ड एरिया, यानी पार्श्व तल का क्षेत्रफल। अब और हाँ, जैसे कि जिस अनुसार से बेस होगा, अगर वर्गाकार होगा तो आधार के क्षेत्रफल में हम वर्ग का क्षेत्रफल लगाएंगे, अगर त्रिभुजाकार होगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, आयताकार होगा तो आयत का क्षेत्रफल। ये आपका डिपेंड करता है उसके बेस पे, कि प्रिज्म का बेस कैसा है। अब आइए देखते हैं पिरामिड के बारे में। ये हो गया आपका पिरामिड, ये इस तरीके से होता है पिरामिड। और इसके लिए जो हाइट होती है, तो हाइट हम ऐसे दिखा सकते हैं, ये देखिए, ये जो हो गया आपका, ये हो गया इसका हाइट, और ये जो हो गया इसके लिए तिरछी ऊंचाई, जैसा कि हम लोगों ने शंकु वगैरह में पढ़ा था। तो ये हो गई इसकी ऊंचाई और ये हो गई इसकी तिरछी ऊंचाई। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग पिरामिड का आयतन देखते हैं। पिरामिड का आयतन अब इसका होता है 1/3 × आधार का क्षेत्रफल और गुने ऊंचाई। सेम शंकु का जो फॉर्मूला लगता है 1/3 πr², तो उसी तरह से आयतन के लिए आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई तो होगा, बस आपको 1/3 कर देना है। अब इसमें आता है पार्श्व तल का क्षेत्रफल। पार्श्व तल का क्षेत्रफल, तो इसके लिए लगेगा क्या, 1/2 × आधार का परिमाप। जब भी पार्श्व की बात आएगी तो परिमाप ही लगेगा, तो आधार का परिमाप और गुने क्या लग जाएगा, तिर्यक ऊंचाई।
क्योंकि इसमें पार्श्व तल कर्व्ड वाला निकालने के लिए आपको लगाना होगा तिर्यक ऊंचाई। अब आता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल के लिए आपको क्या करना होगा, पार्श्व तल का क्षेत्रफल तो लेना होगा और प्लस लेना होगा आपको बेस का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे हो जाएगा पार्श्व तल का क्षेत्रफल और इसमें प्लस कर देना है आपको आधार का क्षेत्रफल। ओके, अब एक चीज मैं इसमें मैंने नहीं बताया, इसमें भी आपका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा जाता है। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसमें भी पूछा जाता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक तो ये कर्व्ड वाला यानी कि पार्श्व तल का क्षेत्रफल लेना होगा, पार्श्व तल का क्षेत्रफल, और प्लस में क्या लेना होगा, ये ऊपर और नीचे जो बेस दिया गया है दोनों का क्षेत्रफल, चाहे जो भी बेस हो इसका उन दोनों का क्षेत्रफल आपको देना होगा। तो अगर बेस में है क्या समषट्भुजाकार, तो इसका क्षेत्रफल और इसमें क्या कर देना होगा आपको मल्टीप्लाई 2 से। ओके, या फिर इसे हम ये भी कह सकते हैं आधार का क्षेत्रफल। ओके, 2 गुने आधार का क्षेत्रफल, अब डिपेंड करता है आधार आपका जो भी हो। अब चलिए चलते हैं हम लोग लास्टली इसमें भी देखते हैं, पिरामिड से भी कुछ इंपॉर्टेंट और भी इसमें क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे कि जब आधार जो है वर्गाकार हो, इसमें देख रहे हैं कि आप वर्गाकार आधार है, तो जब वर्गाकार जो है आधार जो है इसका वर्गाकार हो, तब भुजा दिया हुआ रहेगा आपको ए, तो इसमें तिरछी ऊंचाई आप कैसे निकालेंगे, तो देख लीजिए यहाँ पे रेड वाला आपको नजर आ रहा होगा, ये हो गया इसका हाइट ये, और ये हो गई इसकी तिर्यक ऊंचाई। तो इस तरह से आप देखते हैं क्या बन जाता है कि ये समकोण त्रिभुज बन जाता है। तो ऊंचाई और ये जो होता है ये क्या हो जाएगा, अगर भुजा जो है ए है तो इसका मान कितना हो जाएगा, ए बटे 2 हो जाएगा। अब तो तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, एच का स्क्वायर और प्लस ए बटे 2 का होल स्क्वायर। ओके, ये अगर एच है ये ए बटे 2, तो आप इसका तिर्यक ऊंचाई इसी तरीके से निकाल सकते हैं। अब आता है एक टर्म समचतुष्फलक। समचतुष्फलक इसमें क्या होता है, 4 सतहें होती है और चारों की चारों सतहें समबाहु त्रिभुज की ही बनी होती है और चारों सतहें इक्वल होती है। तो जब इसका आयतन आपको निकालने के लिए कहा जाएगा, तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा √2/12 गुने भुजा का क्यूब। अगर इसके इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे मैं फिर से वहां आपको दोहरा दूंगी, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब पार्श्व तल का क्षेत्रफल, पार्श्व तल का क्षेत्रफल हो जाता है इसमें 3√3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। अब फिर आती है बात संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल की। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल इसके लिए हो जाएगा आपको 4√3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। मैं बताती हूँ कैसे आपको इसे याद रखना है। अब समचतुष्फलक की ऊंचाई, समचतुष्फलक की अगर ऊंचाई निकालनी है तो आपको √2/√3 गुने भुजा आपको ये फॉर्मूला लगाना होगा। इसमें से आपको 2 फॉर्मूले बिल्कुल रट के याद करने हैं, आप इन दोनों को रट के याद कर लीजिए। आयतन √2/12 गुने भुजा क्यू और ऊंचाई √2/√3 गुने भुजा। अब आप बात आती है पार्श्व तल का क्षेत्रफल और ये संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे निकालना है। तो मैंने बताया आपको कि ये जो समचतुष्फलक है त्रिभुजाकार इसका बेस भी होता है, और जैसे कि ये पिरामिड की तरह अगर हम इसे बनाएं तो इधर वाला सरफेस, इधर वाला और इधर वाला 3 हो गया और एक नीचे, तो 4 होते हैं इसमें सतह और चारों के चारों सतह आपस में बिल्कुल बराबर होते हैं। तो इसमें अगर पार्श्व तल की बात की जाए, ये देखिए ये कर्व्ड वाला पार्श्व तल का, तो चूंकि सारा तो समबाहु त्रिभुज ही है, तो अगर 3 पार्श्व में कितने हो गए, 3 समबाहु त्रिभुज, इसीलिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर, और ऐसा ऐसा कितना सतह है तो 3, इसीलिए हमने गुना कर दिया 3 से। अब संपूर्ण में क्या हो जाएगा, 3 तो पार्श्व में और एक नीचे बेस, तो ये कितने हो गए टोटल 4, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, और चूंकि 4 सतह होते हैं टोटल में तो 4 से हमने इसे कर दिया मल्टीप्लाई। बस आपको इतना ही याद रखना है। अब जो भी प्रॉब्लम होंगे हम लोग देखेंगे इसके, इस पे जो भी मैथ है मैंने बताया है उससे।
तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि एक त्रिभुज का आधार समषट्भुजाकार है जिसकी प्रत्येक भुजा 2 सेंटीमीटर है, इसका आयतन क्या होगा यदि इसकी ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। इसमें भी क्या हुआ, समषट्भुजाकार, जैसा कि मैंने पहले फिगर में आपको दिखाया था। ये हो गया दो दो चार दो छः भुजा, नीचे भी चूंकि ये है प्रिज्म, प्रिज्म में क्या होता है बेस और ऊपर दोनों होता है इक्वल। अब ये फिगर हो गया प्रिज्म का समषट्भुजाकार 6 भुजाओं वाला, और ये सारी की सारी भुजाएं क्या है आपस में बराबर है और कितने सेंटीमीटर है प्रत्येक, 2-2 सेंटीमीटर के। अब लेते हैं हम इसके बेस को ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। ये हो गया प्रत्येक 2-2 सेंटीमीटर का है, ओके। अब अगर हम सारे को एक पॉइंट पे मिला दें इस तरीके से, तो ये जितने भी बनते हैं ये पार्ट बाय पार्ट, ये सारे के सारे इक्वल बनेंगे और प्रत्येक ये बन जाता है समबाहु त्रिभुज। तो आधार का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला लगाएंगे समबाहु त्रिभुज का, क्या √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, और ऐसे कितने हैं तो 6, तो इसे 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये निकल गया आपका आधार का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे प्रिज्म का आयतन पूछा गया है, तो निकालते हैं प्रिज्म का आयतन। प्रिज्म का आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल और मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल मैंने आपको समझाया कि कैसे हो जाएगा, तो 6 × √3/4, भुजा का मान 2 दिया गया है तो 2 × 2 स्क्वायर कर दिया हमने, और ऊंचाई भी इसका कितना दिया गया है 2 सेंटीमीटर, तो 2 से कर दिया मल्टीप्लाई। अब इसे कट करें तो ये 4 4 कट जाएगा और ये कितना हो जाएगा 12√3 cm³, ये हो गया इसका आयतन। देखते हैं अब इस पे आधारित अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कहता है कि एक प्रिज्म का तल समकोणीय त्रिभुज है जिसकी 2 भुजाएं 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, प्रिज्म की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो प्रिज्म का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको निकालना है। बेस जो आपका दिया गया है ये कहता है समकोण त्रिभुज का है, समकोणीय त्रिभुज। तो लीजिए सबसे पहले हम बना लेते हैं इसका फिगर, ये समकोण त्रिभुज वाला हो गया, ये प्रिज्म से मिला देंगे, ये बेस और शीर्ष दोनों हो जाएगा एक ही आधार का। अब इसमें से कहता है एक भुजा 5, ये संपूर्ण त्रिभुज जो था, एक भुजा 5 एक भुजा 12, तो तीसरी भुजा यहाँ पे क्या कर्ण हो जाएगी, जो कि अगर आप निकालेंगे सॉल्व करके तो 13। सॉल्व कैसे मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको, कर्ण बराबर आपका क्या हो जाएगा, ये तीसरी भुजा निकालने के लिए √5² और +12² इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 13। अब यहाँ पर से प्रिज्म की ऊंचाई दी गई है, आपको निकालना है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो लिखते हैं हम लोग संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसके लिए क्या करना है आपको, तो पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल ये जो कर्व वाला एरिया है, और इसमें प्लस करना है 2 गुने आधार का क्षेत्रफल, क्योंकि एक नीचे बेस है और एक शीर्ष दोनों एक ही है। पार्श्व तल का क्षेत्रफल के लिए क्या करना होगा, तो आधार का परिमाप यानी कि 5, 12 और 13, आधार के परिमाप में जब आप हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि 10 से, तो ये निकल जाता है पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल। कैसे निकालेंगे, क्योंकि समकोणीय त्रिभुज है तो 1/2 × आधार × ऊंचाई, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैं बता देती हूँ, जैसे ये 5 ये 12 और ये 13 हो गया, तो आधार और गुने ऊंचाई, तो ये हमने कर दिया। और आधार का क्षेत्रफल क्या है आपका, 2 है, एक नीचे और एक ऊपर शीर्ष होता है, इसीलिए हमें मल्टीप्लाई करना होगा 2 से। अब इसे सॉल्व करते हैं, इसे जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 30 × 10 और प्लस ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा ये 60, यानी कि 360 वर्ग सेंटीमीटर, ये आ जाएगा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। हमेशा याद रखें कि संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल निकालने में आप ये कर्व्ड एरिया तो ले ही, और प्लस आधार के क्षेत्रफल में 2 से मल्टीप्लाई, क्यों, क्योंकि इसका आधार और शीर्ष दोनों एक ही होता है। अब चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल दिया गया है कि एक प्रिज्म का आधार 6 सेंटीमीटर भुजा वाला समबाहु त्रिभुज है, यदि प्रिज्म का आयतन 108√3 घन सेंटीमीटर है,
तो उसकी ऊंचाई क्या होगी। फिर से वही है, इसमें प्रिज्म का आधार क्या है, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर है, और ये है प्रिज्म हमारा, और भुजा है प्रत्येक का 6-6 सेंटीमीटर। आयतन आपको दिया गया है, ऊंचाई कहता है। तो प्रिज्म का आयतन, आयतन बराबर क्या होता है, फॉर्मूला आधार का क्षेत्रफल और मल्टीप्लाई कर देना है उसमें ऊंचाई से। आयतन 108√3 दिया गया है आपको, और इसमें आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर, और भुजा कितना दिया गया है 6, तो 6 का स्क्वायर कर दिया हमने, और ऊंचाई तो आपको निकालना है। अब यहाँ पे देखिए सॉल्व करते हैं इसे, तो √3 √3 हो जाएगा आपका कैंसिल, और ये 6 × 6 करेंगे तो 36 हो जाएगा, और जिसे कि कट करेंगे तो 3 बार में कट जाएगा। h का मान कितना आ गया, 12, और ऊंचाई ही आपसे पूछी गई थी, तो 12 सेंटीमीटर आ जाएगा इसका आंसर। चलते हैं अब अगला सवाल पे। 173 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाला एक समबाहु त्रिभुज है, उस प्रिज्म का आयतन दिया गया है 10,380 घन सेंटीमीटर, तो उस प्रिज्म की पार्श्व सतह का क्षेत्रफल कितना होगा। चलिए इसे कैसे बनाना है, इसका जो बेस दिया गया है समबाहु त्रिभुज वाला है एक प्रिज्म, तो ये हमने बना लिया फिगर। इसमें इसका क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल मालूम है और इस प्रिज्म का आयतन मालूम है, तो आपको निकालना है पार्श्व तल का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले चलते हैं समलंबी प्रिज्म के आधार का क्षेत्रफल। तो आधार का क्षेत्रफल क्या है, आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर, और ये आपका दिया है 173 इक्वल टू √3 का मान, यहाँ पे आपको दिया हुआ है पुट करना है 1.73/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। इसका पॉइंट हटाइएगा आप तो 2 0 आ जाएगा, ये कट होके क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा, और a का मान आ जाएगा 20, भुजा का मान निकल गया। अब चलिए निकालते हैं, क्योंकि पार्श्व तल के क्षेत्रफल में आपको हाइट की भी जरूरत होगी, तो हाइट कैसे निकालना है। आयतन बराबर दिया गया है 10,380। आयतन का फॉर्मूला होता है आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, और आधार का क्षेत्रफल आपका यहाँ पे दिया गया है, तो 173 इंटू हाइट इक्वल टू 10380। जब आप इसे कट करेंगे टोटली, तो ये 60 टाइम में कट जाएगा, और एच का मान आ गया 60 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा गया है क्या कि पार्श्व तल का क्षेत्रफल के लिए क्या होता है, आधार का निकलता है पेरीमीटर और इनटू हो जाता है हाइट। तो आधार चूंकि क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, 3 × भुजा और इनटू इसमें कर देना है आपको ऊंचाई हाइट से। तो 3 × भुजा का मान कितना निकल गया, 20, और इंटू हाइट कितना निकल गया था, 60। इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3600, इतना हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर ये पार्श्व तल का क्षेत्रफल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है वो है हमारा, कहता है एक वर्गाकार आधार वाले एक लंब प्रिज्म की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो यदि उस प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 608 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन कितना होगा। अब यहाँ पे क्या है, एक वर्गाकार आधार वाला प्रिज्म है, तो वर्गाकार के लिए इस तरीके से हम लोग फिगर बना लेंगे। अब इसे आप सबको मिला दीजिए, जरूरी नहीं है कि ये तिरछा बने, आप सीधा भी बना सकते हैं, फिगर अच्छे से नजर आए इसीलिए मैंने इसे तिरछा बनाया है। अब इसमें प्रिज्म की ऊंचाई दी गई है ये टोटल 15 सेंटीमीटर। कहता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में एक तो क्या होगा, कर्व्ड एरिया यानी पार्श्व तल, और प्लस शीर्ष और बेस दोनों का क्षेत्रफल टोटल का टोटल ऐड होता है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पार्श्व तल का क्षेत्रफल यानी कर्व्ड एरिया, पार्श्व तल का क्षेत्रफल, और प्लस हो जाएगा 2 × आधार का क्षेत्रफल। ये हो गया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका 608, ये दे दिया गया है। पार्श्व तल का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं, तो आधार का लगाते हैं पेरीमीटर और हाइट से मल्टीप्लाई। तो आधार का पेरीमीटर क्या हो जाएगा, क्योंकि आधार है एक वर्ग, तो वर्ग का पेरीमीटर 4 × भुजा होता है, और
इनटू कर देना है इसमें ऊंचाई, ऊंचाई दी गई है 15, तो 15 से हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 2 गुने आधार का क्षेत्रफल कैसे हो जाएगा, 2 गुने भुजा का स्क्वायर, क्योंकि वर्गाकार का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। अब 608 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 60a और प्लस 2a स्क्वायर, इसे हम गुणनखंड में आपको इसे तोड़ना होगा, इसे इस साइड ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा इक्वल टू 0। अब आप इसे गुणनखंड में तोड़ लीजिएगा, अगर नहीं आता है तो सबसे पहले आप एक काम और कर सकते हैं कि अगर इसे बराबर के इस साइड रहे तो 2 कॉमन लेके कट कर सकते हैं, या नहीं तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। जब आप इसमें मान निकालिएगा तो a का मान आपका आ जाएगा एक तो माइनस में एक प्लस में, तो हमें प्लस वाला मान लेना है और प्लस वाला मान कितना आ जाएगा 8, ये आप निकाल लीजिएगा। अब यहाँ पे कहता है कि प्रिज्म का आयतन, उसका आयतन निकालना है, तो आयतन के लिए क्या हो जाएगा, आधार का क्षेत्रफल और गुना ऊंचाई, तो आधार का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर इनटू क्या करना है आपको, हाइट से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे ए जो भुजा निकाला आपने, ए का मान क्या हो गया, वर्ग का भुजा हो गया, तो भुजा का स्क्वायर 8 × 8 और ऊंचाई कितना हो जाएगा 15, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा 960 सेंटीमीटर क्यूब, ये आ जाएगा हमारा आंसर। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।